हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाय, कैसे हो? जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ पे हैं अक्षु के साथ, द रॉकेट मैन ऑफ आवर एरिया। हेलो पंडित जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे ना कल शाम को एक इंसिडेंट हुआ था पीछे। कार्तिक बताओ क्या हुआ था। हाँ, गौशाला में आया था आपके, तेंदुआ कौन आया था? फिर खटका चला गया और फिर बाबा ने आवाज की ना। हाँ, फिर आपके घर पे आया। और फिर क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे दोस्तों मेरे मासी जी और मेरे माता जी ऊपर बैठे थे, और वो आया, उसने देखा कि यहाँ पे तो इंसान है, और एकदम से पीछे मुड़ा, छोटी सी कुटिया जूली को उठा के ले गया। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताऊँ क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सस्पेंस है, क्या कर रहे हैं पंडित जी बताइए। हम अभी अपने रॉकेट की फ्यूल टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों, प्रोपेलेंट टेस्टिंग, और उसके बाद फुल वीडियो जो है वो हम बाद में बनाएंगे कि रॉकेट कैसे वो किया जाता है ना, मतलब कि उसको टेक ऑफ कैसे कराया जाए। टेक ऑफ ही बोलते हैं रॉकेट को। तो अभी हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, हम इनकी भाई की हेल्प करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे जाइए करते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। अभी फ्यूल टेस्टिंग होगी सबसे पहले। वो नहीं है, थोड़ी नहीं है, छोटी है, दोस्तों साइंटिस्ट बॉय है, तो इसके साथ करते हैं और मिलते हैं फटाफट टेस्टिंग। दोस्तों ये है टेस्ट बेंच जो हमने अभी इसको अच्छे से अर्थिंग दे दी है, क्योंकि जब इस पर थ्रस्ट पड़ेगी, फोर्स पड़ेगी, तो ये यहाँ से ज़्यादा मूव ना करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे आकाश अवस्थी जी से मिलिए, वो बताइए आपको किस कैसे होगा। अच्छा, सिनेरियो आपका ये, हाँ ये ऐसा रहेगा कि मैं अभी फ्यूल मोटर घर पे भूलता हूँ, दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। वो फ्यूल मोटर हम इस पे लगाएंगे। फ्यूल मोटर का मतलब है मोटर इन द सेंस कि सॉलिड रॉकेट फ्यूल, हम उसे मोटर ही कहते हैं सॉलिड रॉकेट फ्यूल को, ज़्यादातर हम मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में मोटर ही बोलते हैं उसे। तो हम वो मोटर इसको इस पे टेस्ट करेंगे। तो जो हमने कंप्यूटर पे सिमुलेशंस की हैं, उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि लगभग उसकी थ्रस्ट 200 न्यूटन, मतलब 21 किलो की होगी, 21 केजी के आसपास। दिस इज द बैटरी। ये है लॉन्च करने के लिए, ऑन करेंगे इसे, फिर ये पुश बटन दबाएंगे, तब वो इग्नाइट हो जाएगा। इसे करेंगे अभी, इग्नाइट मींस इग्निशन, वो जलना शुरू कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आगे, फटाफट करते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये इंस्टॉल कर दिए। रॉकेट का जो वो फ्यूल है ना, वो मतलब कि निकले वाला जहाँ से ऊपर वो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी चेकिंग कर रहे हैं हम कि थ्रस्ट जो है वो कितना होगा। और यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ वो मेरे कैमरा ऑन कर दिया करना, बस हो गया। हाँ, अरे बाबू भैया, धुआं धुआं ही हो गया अभी, है तो ना प्योर। मेरी पाइप बच गई, मैं दोबारा यूज कर सकता हूं। क्यों नहीं हुआ, अभी टेंशन पाए गया। हाँ, वो नोजल नहीं, हाँ नोजल वो, हाँ नहीं खुली नहीं थी, वो ढीली थी थोड़ी सी, तो वो पूरे नोजल के साथ ही, वो जो आगे की नोजल थी वो सारी, हाँ बर्न टाइम इसका 1 सेकंड का ही था, वो इसने ठीक बर्न किया, पर साथ में वो बड़ी दूर तक चला गया, इसलिए मैं कह रहा था पत्थर रखने को। इसमें हमने फ्यूल यूज़ किया था C11H22O11 विद पोटेशियम नाइट्रेट, CNO3।
then we will give some ignition to sugar and potassium nitrate, then it will burn very rapidly. Yes. कितना झटका मारा है, प्रेशर देखो आप कितना प्रेशर था यार, है ना, मतलब कि वो एक घंटे में ऊपर को ले जाएगा, बस उतना लगेगा उसमें। और यहाँ पे सेंसर लगाया है जिससे स्पार्क जनरेट करवाया है दोस्तों, शुक्र है कि हमारे लैपी की वायर नहीं जली इससे। तो दोस्तों अब हम रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाय नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में विद आकाश अवस्थी एंड कार्तिक एंड कार्तिक। बाय, टेक केयर।